पूरे हिंदुस्तान का यहाँ मजमा है और आना भी चाहिए था। अथर साहब की कोई ये खूबी नहीं थी, उनके मिजाज के एतबार से भी बहुत बड़े आदमी थे वो और अखलाकियात में अव्वल नंबर था उनका। और उसके साथ साथ जो ख़तीब थे, उन्होंने जो मैसेज दिए हैं, जो पैगामात दिए हैं, वो सारी दुनिया को इत्तेहाद का मैसेज दिया है और हमारी शिया कौम को यूनाइट करने का, मुत्तहिद होने का मैसेज दिया है। और इसीलिए हम लोग भी यहाँ पर हाज़िर हुए हैं और हमने ऑल इंडिया शिया फाउंडेशन की तरफ से यहाँ सबील भी लगाई है, क्योंकि मजलिस हो और पानी ना हो और पानी का जिक्र ना हो तो ये ख़िलाफ़ इंसानियत है। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ उन्होंने बम्बई को नहीं संभाला बल्कि बम्बई में बैठ के पूरे हिंदुस्तान की शियत को संभाला है, क्योंकि बम्बई रूसुल बलाद कहलाता है और बम्बई का मैसेज सिर्फ बम्बई तक नहीं रहता बल्कि पूरी दुनिया शियत में जाता है। उन्होंने उस सेंटर से बैठ के एक बड़ी खिदमत की है जिसको कभी हम भुला नहीं सकते, कभी फरामोश नहीं कर सकते। हमने उनकी ज़िंदगी से जो लहजे की नरमी है उसके साथ साथ बात, मेरी मिर्ज़ा मोहम्मद अथर साहब क़िबला से एक तफसीली गुफ्तगु रही और मैंने उनसे ये पूछा कि क़िबला ये बताएं कि आखिर आपके ख़तीब अकबर होने का राज क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा, हमारा ख़तीब अकबर होने का राज ये है कि जिस ज़माने में लोग सकील और दकीक गुफ्तगु मिंबर पर बैठ के करते थे, उस ज़माने में हमने अपने लहजे को, अपनी ज़बान को बिल्कुल आसान कर दिया और लोगों तक पहुँचाया। पहले के जो ख़तीब थे वो 500 उलमा के लिए बयान करते थे, लेकिन हमने उसको 500 उलमा के लिए नहीं बल्कि हमने अपनी बात को 5000 मोमिनीन के लिए रखा। तो ख़तीब अकबर से हमने यही सीखा है कि अगर मिंबर पे आना है, स्टेज पे आना है और बात कहनी है तो बात इतनी आसान होना चाहिए कि जो कम पढ़े लिखे और न पढ़े लिखे की समझ में आ जाए, आम फहम ज़बान होना चाहिए। और बहरहाल उनकी ज़बान में लखनवी लताफत थी, लहजे में शिरनी थी, बिल्कुल होना चाहिए। ख़तीब अकबर एक ऐसी ज़ात हैं जिनको बिल्कुल फरामोश नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इनके नाम से कॉलेज भी खोलना चाहिए, इनके नाम से मेडिकल कॉलेज भी खोलना चाहिए। और अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट अलाउ करे तो यासूब अब्बास साहब को बात करना चाहिए और एक यूनिवर्सिटी ख़तीब अकबर के नाम से होना चाहिए जिसमें दुनिया भर के शिया बच्चे आएँ और उसमें तालीम हासिल करें।